to Sri Sri Radharaj Bihari Temple, and this program, the second day, three session Bhagavad Gita course. Now we will just recap what we had discussed yesterday. We discussed only one topic. So, anybody can remember, recollect what we discussed yesterday? हम लोग क्या हैं? आत्मा है, शरीर नहीं है. यस, पहली चीज. और क्या डिस्कस किया था कल हम लोगों ने? ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी. यस, सोल, ईगो एंड फाइव सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवद गीता. ओके, और क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था? हाँ, वी हैव फोर डिफेक्ट्स. Everybody has, not only like in the classroom who are sitting. Yeah, today Bhagavad Gita is available. So whatever language you prefer, you can get that in your preferred language. Hindi, Marathi, Gujarati, English, all the four languages Bhagavad Gita is available. So aap sab usko lijiyega. If you want to buy, you can purchase also. If you just want to refer, you can refer and give it to back. Mostly all of you are life members, so आप सबको तो box में एक बार मिला ही होगा. Yes. So भगवद गीता ले लीजिए. There is a writing pad is there, that also you can take. Okay. और क्या चीज़ discuss किया था हम लोगों ने four defects के अलावा? हाँ, when भगवद गीता was spoken, that we discussed yesterday. Almost 5000 years back. She will come and she will give you Prabhuji. Please be seated. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah. Anybody want Hindi? Rati सबसे पहले कि राजा को जो करना चाहिए था उसको छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहा था. मतलब कि जो उसके लिए खुद के लिए बहुत जरूरी था वो छोड़ करके बाकी सब कुछ अच्छे से कर रहा था. उसके पास गुरु जब आते थे तो हमेशा वो बाकी सब चीजों के बारे में पूछता था, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करता था. मतलब कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे दुख तकलीफ क्यों होती है, मैं कुछ चाहता हूँ तो मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती हैं, तो ये सब चीज़ें वो राजा ने ऋषि से नहीं पूछा था, उस गुरु से नहीं पूछा था. तो इसीलिए गुरु ने क्या किया था, अपने एक शिष्य को उसके पीछे लगा दिया था. और शिष्य ने क्या किया, उसको रियलाइज किया कि सबसे मूर्ख इस संसार में राजा ही है. क्यों मूर्ख था वो? ये सब चीजें जमा करने में लगा था जो कि वो लेकर जा ही नहीं सकता है. और ये ब्रह्म जिज्ञासा जो है, यही मनुष्य योनि का ये पहला धर्म है जिसके लिए हमको मनुष्य योनि मिली है. तो उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर फोर डिफेक्ट्स है. यस, और उसके बाद में ज्ञान हमको कहाँ से प्राप्त करना चाहिए? ऑथेंटिक सोर्सेस से प्राप्त करना चाहिए. कि अगर मान लीजिए कि हम लोग अपने बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहते हैं या डॉक्टर पढ़ाना चाहते हैं, तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, खरीद के घर पर लेकर आए और पढ़ने के लिए दे दिया. MBBS की पढ़ाई 4 साल होती है, 4 साल तक उसको सारी बुक्स पढ़ने के लिए दे दिया, उसे सारी बुक्स पढ़ ली, तो क्या उसको डॉक्टर बोलेंगे? नहीं. तो अकेले बुक पढ़ने से तो ज्ञान नहीं हो सकता है. तो क्या करना पड़ता है, उसको कहीं यूनिवर्सिटी में डालना पड़ता है. ओके, कोई यूनिवर्सिटी में डाल दिया और 4 साल तक उसने पूरी पढ़ाई कर ली और यूनिवर्सिटी ने उसको सर्टिफिकेट भी दे दिया कि अभी ये इंजीनियर है, लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी अथोराइज्ड नहीं है, AICTE से और UGC से कनेक्टेड नहीं है, तो उस सर्टिफिकेट का कोई वैलिडिटी है नहीं. तो हम लोग अथॉरिटेटिव सोर्सेज से और परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी ज्ञान की ऑथेंटिसिटी है, वैलिड है. तो इसीलिए हम लोगों को परंपरा में जो पुराणों में जो बताया गया है, शास्त्रों में जो बताया गया, हम लोग को वहाँ उस सोर्स से ज्ञान लेना चाहिए, वो ऑथेंटिक होता है. ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हम लोग को ऑथेंटिक सोर्सेज से और परंपरा से मिलने वाले ज्ञान को लेना चाहिए. कल भगवद गीता हमारे पास में नहीं थी,
ये बातें अब जो भी हमने की थी उसको आज हम लोग एक बार जस्ट देख लेते कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज लिखी हुई है। एक मुझे भी भागवत गीता देना, है नहीं, आप अपने पास रखिए। ओके या ये भी पकड़ना पड़ेगा। तो आप कोई भी पेज ओपन करेंगे ना भागवत गीता का, कोई भी पेज ओपन करिए तो सेंटर में टॉप में देखिएगा, ये दो जगह देखिएगा, टॉप सेंटर में कोई भी पेज ओपन करिए, कोई भी टॉप में दो चीज लिखी होगी। जो पहला चीज है, अच्छा ओके, सब लोग इंग्लिश रेफर कर रहे हैं ना, हिंदी में जरा अलग बताया गया है, सब लोग इंग्लिश यही वाली बुक रेफर कर रहे हैं ना, सब लोग यही रेफर कर रहे हैं, आप हिंदी रेफर कर रहे हैं। ओके, आप सेंटर में टॉप में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा होगा, कोई बताएंगे क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं, एकदम सेंटर टॉप में 3.26। तो 3 जो है वो चैप्टर है और 26 नंबर जो है वो श्लोक का नंबर है। तो अब आपको कहीं भी पहुँचना है, आप सिर्फ ये सेंटर वाला पेज देखते देखते आगे पहुँच सकते हैं। तो हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था कि हम लोगों को ज्ञान ऑथेंटिक सोर्सेज से और परंपरा से लेना चाहिए, क्योंकि ये भगवान ने खुद यही बात कही है कि हम लोग को जो भी ज्ञान लेना है वो ऑथेंटिक सोर्सेज से और परंपरा से जुड़ा हो उससे लेना चाहिए। 4.2 में देखिए आप, चैप्टर 4 श्लोक नंबर 2, एवं परंपरा प्राप्त राजर्षि विदुहा, 4 चैप्टर 2 नंबर श्लोका। तो देखिए वहां पर लिखा हुआ है, सब पहुंच गए 4.2 पे, दिस सुप्रीम साइंस वॉज दस रिसीव्ड थ्रू द चेन ऑफ डिसाइपलिक सक्सेशन एंड द सेंटली किंग्स अंडरस्टूड इट इन दैट वे, बट इन कोर्स ऑफ टाइम द सक्सेशन वॉज ब्रोकन एंड देयर फॉर द साइंस as it is appear to be lost. Okay? देखा सबने? तो ये हम लोगों ने कल जो डिस्कशन की थी उसकी दो बातें यहाँ पर प्रूव हो रही हैं कि हमको ज्ञान परंपरा में जो लाइन से चले आ रहा है परंपरा से लेना चाहिए। तो ये जो ज्ञान है ये कंटिन्यूस एक प्रामाणिक संप्रदाय की परंपरा से ज्ञान आ रहा है, और वो जो प्रामाणिक संप्रदाय है, हम लोग ये जो ज्ञान ले रहे हैं, आप सबके पास अगर यही बुक है तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज खोलिएगा, हाँ पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 के बाद में 31 नंबर पेज है, 31 नंबर पेज पे आइए आप लोग, पेज नंबर 31 पे आइए, 31 पे, ओके हाँ यही 31 ये वाला पेज पे आना है। ये देखिए तो यहाँ पर द डिसाइपलिक सक्सेशन बताया हुआ है। पद्म पुराण में 4 संप्रदाय है जिसको कि ऑथेंटिक संप्रदाय बताए गए हैं। वो 4 संप्रदाय का नाम मैंने कल नहीं बताया था क्योंकि बुक नहीं थी, और आज मैं बता रहा हूँ। पद्म पुराण में 4 संप्रदाय जो बताए गए हैं वो हैं श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय ऑथेंटिक संप्रदाय हैं जो कि पद्म पुराण में श्लोक है। हम लोग कल आपको जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, कल हुआ है, आज जो हो रहा है और कल जो होने वाला है, इन सब की आपके लिए जो भी रेलेवेंट नोट्स है वो कल हम लोग आपको दे देंगे, तो सारी चीज़ें उसमें लिखी भी होंगी। तो ये 4, ये श्लोक भी होगा पद्म पुराण का जहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ये 4 संप्रदाय
ये भगवान का ज्ञान लेने का ये ऑथेंटिक सोर्स है, ये ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी है। श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी जी से चलती है और उसके जो चलाने वाले जो आचार्य हैं वो रामानुजाचार्य हैं। आप लोगों ने रामानुजाचार्य का नाम सुना होगा कि साउथ इंडिया में उनके बहुत सारे मंदिर टेम्पल हैं, तो ये श्री संप्रदाय है, रामानुजाचार्य जी ने इसको चलाया हुआ है। रुद्र मतलब कि शिव जी, तो ये रुद्र संप्रदाय शिव जी से चलता है, उसको निम्बार्काचार्य चलाते हैं। अभी आज के श्लोक में उनका नाम भी लिखा हुआ है। ये श्लोक तो जो लिपिबद्ध किया गया था, सारे वेदों को जो लिखा गया था वो 5000 साल पहले लिखा गया था, लेकिन उसमें इनका नाम लिखा हुआ था कि श्री संप्रदाय को रामानुजाचार्य चलाएंगे, ये तब से लिखा हुआ था। रुद्र संप्रदाय निम्बार्काचार्य चलाएंगे, ये उसमें लिखा हुआ है। कुमार संप्रदाय वल्लभाचार्य चलाते हैं, ये ऑथेंटिक सोर्स है। और ब्रह्म संप्रदाय जो है ये मध्वाचार्य से चलता है। अभी जो भी मेरे नाम बताए हैं ये सब अभी हार्डली 1000 से 1500 साल के बीच में लोग हुए हैं जो इस संप्रदाय को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही चार ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से हम लोग जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो परंपरा से जुड़ा हुआ होता है। और ब्रह्म संप्रदाय जो है इसी में ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, और इसी गौड़ी संप्रदाय में फिर चैतन्य महाप्रभु आए थे, और इसी में फिर आगे चल के श्रील प्रभुपाद भी आए हैं। और प्रभुपाद जी ने इन्होंने इस्कॉन फाउंड तो ये चार ऑथराइज संप्रदाय है, और इसमें से हम लोग जो आपको नॉलेज बता रहे हैं ये ब्रह्म संप्रदाय से लिंक किया हुआ नॉलेज है। ब्रह्म संप्रदाय की इम्पॉर्टेंट जो डिसिप्लिक सक्सेशंस है, अभी जो आप लोगों ने पेज खोला हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है। ओके, ये सब चीज़ें आपको नोट्स में मिलेंगी। आप अगर कुछ मिस कर रहे हैं तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें हम लोग आपको कल प्रिंट आउट दे देंगे। आप लोगों को जो ज़रूरी जो याद रखने की चीज़ें हैं वो सब मिल जाएंगी आपको। मतलब तो ये जो पेज अभी 31 नंबर पेज खुला था तो उसमें ब्रह्म संप्रदाय की इम्पोर्टेंट सक्सेशन लिस्ट दी गई है। देख रहे हैं, मतलब कृष्णा से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से मध्वा, जो मध्वाचार्य का नाम वो श्लोक में है, उसके बाद में फिर बाकी सब नाम है। लास्ट में जो है यहाँ पर एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का नाम है और उन्होंने इस्कॉन की संस्थापना की है। तो आपको जो भी नॉलेज मिल रहा है इसका कहीं ना कहीं शास्त्रों में आधार है, और उसी शास्त्रों का ज्ञान ही आपको मिल रहा है। कोई कपोल कल्पित बात, कोई मनगढ़ंत बात, कोई कहानी या स्पेकुलेटेड नॉलेज आपको नहीं मिल रहा है। सो बी अश्योर्ड। बात की थी कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, है ना? ये कहाँ लिखा हुआ है? सेकेंड चैप्टर का 17 नंबर, सेकेंड चैप्टर का 17 नंबर श्लोक खोलिए आप। सॉरी, सेकेंड चैप्टर का 13 नंबर श्लोक खोलिए, 13 नंबर श्लोक। 17 भी है बट 17 से पहले 13 पढ़ लेंगे तो 17 का ही रिलेवेंस समझ में आएगा। देहिनो इसमिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस धीरस तत्र न मुह्यति। सब लोग देख रहे हैं, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। सेकेंड चैप्टर का 13 नंबर, पढ़ेंगे प्रभु जी उसका ट्रांसलेशन। हरे देहिनो इसमें यथा देहे
क्या बता रहे प्रभु जी? एज द एम्बॉडीड सोल, जरा पढ़िए उसको आप. एज द एम्बॉडीड सोल कंटिन्यूअसली पासेस इन दिस बॉडी फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, द सोल सिमिलरली पासेस इनटू अनदर बॉडी एट डेथ. अ सोबर पर्सन इज नॉट बिवल्डेड बाय सच अ चेंज. तो क्या बता रहे हैं इसके अंदर? हम लोग जैसे सोल जो है वो बॉडी के अंदर है और बॉडी कंटिन्यूस चेंज हो रही है. पहले हमारे पास चाइल्डहुड की बॉडी थी, उसके पहले इन्फेंट की बॉडी थी, उसके पहले हम लोग यंग थे, अभी मिडिल एज में हैं, आगे चल के ओल्ड एज में जाएंगे. ये बॉडी चेंज हो रही है बट सोल जो है वो सेम टू सेम एज इट इज़ वही है. सोल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, खाली बॉडी चेंज हो रही है. और जब तक ये बॉडी यूज़ करने लायक है तब तक ये बॉडी यूज़ में होगी, अदरवाइज उसके बाद में फिर ये बॉडी ख़त्म हो जाएगी. तो सोल क्या करेगी? ये बॉडी छोड़ करके नेक्स्ट बॉडी में चली जाएगी. वही चीज़ यहाँ बताई है. और 17 चैप्टर में बताया गया है द विच सॉरी सेकेंड चैप्टर के 17 नंबर श्लोक में बताया गया है द विच परवेड्स द एंटायर बॉडी यू शुड नो टू बी इनडिस्ट्रक्टेबल, नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय दैट इम्पेरिसिबल सोल. तो सोल जो है वो टोटली इनडिस्ट्रक्टेबल है, कि उसको हम लोग काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, जला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते. उसके बाद में सोल का साइज हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने कुछ बताया था सोल की साइज क्या होती है, कल नहीं डिस्कस की थी, सॉरी मैं कल दोपहर में एक और क्लास करके आया था तो मैंने वहाँ शायद डिस्कस किया होगा, तो मैं ओवरलैप कर रहा हूँ. ये हमारे बाल जो है ना, बाल का फ्रंट पार्ट लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा, उसको 100 पीसेस में कट करिए, और वो 100 पीस एक पीस लीजिए उसको फिर 100 पीस में कट करिए, फिर जो साइज़ बचेगी वो साइज़ सोल की होती है, आत्मा की साइज़ वो होती है. मतलब 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर. ये इसी श्लोक का आप आगे परपट देखिए, पेज नंबर 86 पे देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ है. देखिए श्लोक लिखा हुआ है बालाग्रस्त है, उसमें देखिए दो श्लोक लिखा हुआ है, केशाग्रह सता भागस्य, और उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है देयर आर इन्यूमरेबल पार्टिकल्स ऑफ स्पिरिचुअल एटम्स विच आर मेजर्ड एज 1/10,000 ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द हेयर. ये बाल का लेंथ को लेकर के 100 पीस नहीं करना है, सिर्फ टिप ऑफ द हेयर को ही 100 पीस करना है. तो ये सोल की साइज के बारे में बताया गया है. उसके बाद में 22 नंबर श्लोक देखिए आप लोग, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहेति नरो पराणि. 22 श्लोक प्रभु जी पीछे माताजी को दे दीजिए, वो फोन करेंगे. वही सेकंड चैप्टर का 22 नंबर श्लोक, माताजी प्लीज रीड दैट ट्रांसलेशन. एज अ पर्सन पेज नंबर 93 इन सम बुक्स 93 यस, कोई बात नहीं, आपको श्लोक मिल गया तो दैट इज 2.22 इज इंपॉर्टेंट. पेज नंबर तो बुक के हिसाब से चेंज हो जाती है. Yes, Mataji, please go ahead. As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था इस चीज को, सोल. अभी नेक्स्ट हम लोग बता रहे थे सटल बॉडी ग्रॉस बॉडी, ये सब बताए थे ना हम लोगों ने. तो चैप्टर नंबर 7 में श्लोक नंबर 4th, चैप्टर नंबर 7th श्लोक नंबर 4, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति स्थिता. पेज नंबर 322, माता जी जरा आप पढ़िए उसको ट्रांसलेशन. अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस, पढ़िए पढ़िए. हाँ हिंदी में पढ़िए, कोई बात नहीं. पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी वृत्रा भिन्न अपरा प्रकृति है. उसके आगे पढ़ना है? हाँ पूरा पढ़ लीजिए. नहीं नहीं तात्पर्य नहीं पढ़ना है. ओके इंग्लिश में पढ़ लीजिए, कोई मतलब आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए उसको, उसी चीज को.
अर्थ वाटर फायर अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस एंड पॉलिसी ऑल टुगेदर दीज एट कॉन्स्टिट्यूट माई सेपरेटेड मटीरियल एनर्जीज ओके ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कल ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी तो ग्रॉस बॉडी ये पांच एलिमेंट से बनी है मरने के बाद में ग्रॉस बॉडी यही छूट जाती है सटल बॉडी और सोल निकल के नेक्स्ट ग्रॉस बॉडी में जाती है इसका नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़ेंगे प्रभु जी आप पढ़िए इसका नेक्स्ट श्लोक हु विल रीड किसी को दे दीजिए या प्रभु जी यू रीड या माइक दे दीजिए ट्रांसफर लक्ष्मी माइक हाँ या नेक्स्ट फिफ्थ नंबर श्लोक श्लोक रहने दीजिए प्रभु जी सिर्फ आप उसका बिसाइड्स दिस दे दो माइक दे दो Beside these, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind, which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material, inferior nature. Okay. इसका मतलब क्या है? मैंने कल बताया था आप लोगों को कि ये जो gross body है, ये gross body और subtle body क्या है? Dead matter है. अपने आप में ये कुछ नहीं करती है. इसको काम करने के लिए क्या चाहिए सोल चाहिए वही चीज़ यहाँ भगवान बता रहे हैं कि बिसाइड दिस बिसाइड मतलब इसके पहले श्लोक में जो बताया था उसके अलावा ये सब चीज़ चाहिए और जब तक वो चीज़ नहीं होगी तब तक ये बॉडी डेड बॉडी रहेगी काम नहीं करेगी वो यहाँ बताया गया था ओके ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी अभी मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि हम लोग को आज तीन टॉपिक कवर करने हैं बुक आपके पास रहने दीजिए मैं टॉपिक्स कवर करते जाऊंगा जहां रेलेवेंट होगा वहां पर मैं आपको बुक रेफर करने के लिए बोलूंगा अदरवाइज आप लोग सिर्फ जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं या जो स्लाइड दिख रही है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं उस पे ध्यान दीजिए सो वी कैन कवर वेरी फास्ट ओके ये मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है कैसे करूं वो ठीक था